जम्मू कश्मीर में ब्लॉक दिवस का एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए अधिकारी जो है वो काम करते हैं। और ब्लॉक दिवस की अगर बात करूँ तो आम लोगों के लिए ये ब्लॉक दिवस होता है, यहाँ आम लोग जो है वो अपनी समस्याएं उजागर कर सकते हैं अधिकारियों के समक्ष। लेकिन मैं मौजूदा समय में अगर बसोहली क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर ब्लॉक दिवस के मायने ही बदल गए हैं। यहाँ पर ब्लॉक दिवस में जहाँ तो पंचायत के प्रतिनिधि बोलते हैं और यहाँ अधिकारियों के बीच पूरा ब्लॉक दिवस जो है वो सिमटता रह जाता है। अब एक नई बात देखने को ये भी मिल रही है कि इस ब्लॉक दिवस में कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है उसका एकमात्र कब्जा रहता है, उन्हीं की स्टेज रहती है, उन्हीं के लोग बोलते हैं, जबकि आम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अभी बीते करीब एक दिन पहले की बात है, युवाओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उनके द्वारा जानकारी भी दी गई थी कि DDC अध्यक्ष जो जिला विकास परिषद के अध्यक्ष थे उनके द्वारा युवाओं को बोलने से रोका गया था स्टेज पर। तो मेरे साथ इस समय कांग्रेस के जो है वो जिला महासचिव हैं संजय राजदान जी, हम इनसे बात करेंगे इस बारे में कि इनका क्या विचार है। संजय जी, ब्लॉक दिवस में बीते दिनों कुछ युवाओं को रोका गया DDC द्वारा, अपनी बात रखने से क्या कैसे देखते हैं? देखें आशीष जी, ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, मतलब इसको कहते हैं ना कि फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं इसमें एक दुख व्यक्त करता हूँ कि हम हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूरे विश्व में हमारी डेमोक्रेसी का जो है वो डंका बजाया जाता है और आज की डेट में उदाहरण भी दिए जाते हैं कि भई डेमोक्रेटिक चीज़ें अगर सीखनी हैं, व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गो एंड सी इन इंडिया। बट अब जो मौजूदा हालात पिछले आप कह लें 2019 से मनते चले जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का हनन जो है ये 14 में स्टार्ट हुआ था और अब जो 2019 के बाद जो शुरू हो गया है, अब मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी आने वाली हिस्ट्री से जो है वो लुप्त हो जाएगी। क्या देखते हैं, कितना असर है ब्लॉक दिवस का जमीनी स्तर पर? अगर आप बिल्कुल सच की बात कहेंगे तो सच ये कहता है कि उसका 0% जो है वो आज की डेट में लोगों का इंटरेस्ट भी ब्लॉक दिवस पे रह गया और लोगों का विश्वास भी 0% रह गया। सर, क्या कारण था? क्योंकि पहले लोग आते थे ब्लॉक दिवस में लेकिन धीरे धीरे संख्या गायब हो गई। देखिए, इसका कारण जो है वो मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो डबल इंजन की सरकार के जो दावा कर रहे हैं, भाजपा सरकार जो है जो केंद्र शासित देश चल रहा है इस टाइम इस सारी की सारी जिम्मेवारी उसी की है और कहीं ना कहीं इनकी कड़ी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी बनी हुई है। जैसे कि कल ब्लॉक दिवस भी हुआ तो वहाँ पे कुछ BJP के कुछ अहदेदार थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट हुआ वो गलत हुआ डॉक्टरों को लेकर जो युवाओं ने किया था। मैं बिल्कुल इनके बतौर कांग्रेस, बतौर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, मैं इन लड़कों की हिम्मत की दाद देता हूँ और ये आपके माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ कि जब भी लोगों की बहबूदी के लिए अगर ऐसे युवा सामने आ रहे हैं तो हमारा पूरा समर्थन है, मेरी पार्टी का पूरा समर्थन है, मेरा बतौर एज ए सिटीज़न ऑफ बसोली पूरा समर्थन है, चाहे इसमें राजनीतिक समर्थन आए या ना आए। लेकिन आप मेरे से अगर बतौर संजय राजदान की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। कम से कम इन्होंने हिम्मत तो की, वाकई हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रही है कि हमारी खूबियों को के गुणगान गाएं, हमारी उपलब्धियों के गुणगान गाओ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उन पे आप चादर डाल दें, पर्दा डाल दें। मैं कहता हूं कि जो भी ये लड़के थे जो हमारे यहीं के बसोली के निवासी हैं, और मैं इनका प्रोत्साहन भी करता हूं और आपके माध्यम से बिल्कुल शाबाशी देता हूं कि इन्होंने ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया और ये इन्होंने पब्लिक के लिए उठाया है, इन्होंने कोई इंडिविजुअल मसले के लिए नहीं उठाया कि इस पर किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, नहीं, इन्होंने लोगों के लिए बोला और इनका हमें, मैं आपके माध्यम से पूरे बसोली वासियों को, पूरे बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये आमंत्रण भी करता हूँ कि ये लड़के जो करने जा रहे हैं इनका पूरा साथ निभाए और इनके साथ चले। अच्छा जी, हमने अक्सर देखा है कि सरकारी कार्यक्रम बसोली में बहुत सारे होते हैं लेकिन अपोजिशन की उसमें शमूलियत कहीं ना कहीं हम कहेंगे मिसिंग है, आते ही नहीं। देखिए, भाजपा जो है वो इसको कहते हैं मतलब कहते हैं ना ऊपर से नीचे पे काम कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और उनका ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि अपोजिशन ही ख़त्म करनी है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को भी सदन से बाहर मतलब निकालने के लिए कितने प्रयास किए गए और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसमें कामयाब रही, और क्योंकि इसका एक ही चीज़ है कि कोई भी
इनकी अपोजिशन ना करे, इनकी कमियां ना गिनाए, और वही डाउन द लाइन जो है वो नीचे इम्प्लीमेंटेशन चल रही है कि अपोजिशन को ना बुलाओ ताकि कोई भी सवाल ना पूछे, हमारी जो हमने घोटाले किए हैं, जो हमने हमारी कमियां हैं इनको ना गिनाया जाए, और सिर्फ जैसे आजकल नया वो वक्तव्य चल रहा है 9 साल बेमिसाल, लोगों का बुरा हाल और इनके बेमिसाल। क्या लगता है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे ब्लॉक दिवस की आपने बात की, तो लोगों को बोलने का मौका नहीं है जबकि प्रतिनिधि केवल बोलते हैं और वही लोगों की समस्याएं गिनाते हैं। देखिए प्रतिनिधि किन के हैं, मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट लिया, प्रतिनिधि जीत गए, आज वो लोगों को बोलने नहीं देते। आप बताइए प्रतिनिधि किन के हैं, आप लोगों के हैं, प्रजा के हैं, और अब अगर आप उनकी आवाज़ ही नहीं उठाने दे रहे और उन्हीं को रोका जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपकी जो हमारी कमियां हैं उनको ना गिनाएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहती कि ये चीज़ों को दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाहवाही लूटने का काम चल रहा है। यहाँ पे कमियाँ गिनाने का काम नहीं है, कमियाँ नहीं आप बता सकते। आप लोगों की जो शोषण हो रहा है, लोगों का जो जो मानहनन हो रहा है वो नहीं दिखा सकते। तो इसमें इनका काम जो है वो बिल्कुल बोलना नहीं देता, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारा एक DDC चेयरमैन ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी पब्लिक फोरम में, कि आप क्यों बोल रहे हैं भाई। आपने जनता दरबार लगाया तो किसके लिए लगाया है, जनता दरबार मींस जनता का पर दरबार, तो जनता कोई नहीं बोलेगा तो फिर किसने बोलना है, सिर्फ आपने अपनी वाहवाही थोड़ी लूटनी है। आप तो उसको भाजपा का दरबार बोले, आप क्यों उसको बोल रहे हैं कि हम ये पब्लिक दरबार है, आप उसको बोले भाजपा का दरबार है, तो आप कोई भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने अपोजिशन आने नहीं देनी है, अपोजिशन को वहाँ पर बिठाने के लिए कोई कुर्सी नहीं है, अपोजिशन को बिठाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, अपोजिशन को वहाँ पर बैठने नहीं देना है, अपोजिशन की बात ही नहीं सुननी है, सिर्फ ये सुनना है कि माननीय फलाना फलाना ने ये किया, माननीय फलाना फलाना ये किया, उनकी वाहवाही लूटने जाना है। तो वो कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है, लोगों का विश्वास जो है ख़त्म होता जा रहा है, और एक दिन आज ही आप देख ही रहे हैं, आपने बतौर पत्रकार आप कई चीज़ें जो है कवर करते हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पब्लिक शमूलियत है नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंटल आदमी बुलाए जाते हैं, अपनी उपलब्धि अपनी गुणगान करें, ताड़ियाँ बजाएं और वापस। क्या लगता है साफ तौर पर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है? साफ तौर पर दबाया जा रहा है, लोकतंत्र है कहाँ पर, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं तो 2019 से लोकतंत्र ढूंढ रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है, आपने भी देखा होगा मेरे कई प्रोटेस्ट आपने कवर किए हैं, मैं तो लोकतंत्र ढूंढ रहा हूँ कि भाई लोकतंत्र कहाँ है, इसको जो हमारा इतना बड़ा संविधान लिखा गया था लोकतंत्र पे, इतनी बड़ी किताबें गई, इतनी बड़ी गाथा गाई जाती है जिसको आप अपना एक उपलब्धि मनाते हैं कि हमने विश्व में एक अपना डंका बजाया लोकतंत्र का, लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज डेमोक्रेसी स्टैंड्स नोवेयर, देयर इज़ ओनली ऑटोक्रेसी, और जो बोला जाएगा ऊपर से जो आएगा वही काम चलेगा, पब्लिक की कोई नहीं सुनी जाएगी। आप टमाटर देख लो, है कोई कंट्रोल? 200 रुपये के करीब टमाटर पहुंच गए, कल आप वो फलियां देख लो, गृहणियां, मुझे तो अफसोस है उन गृहणियों पे कि वो क्यों नहीं बोल रही, फलियां 140 रुपये, मतलब घर चलेगा कैसे, जिसके घर में 4 या 5 आदमी है, एक BPL लेवल का आदमी है, वो क्या करेगा? आटा चावल आपने राशन कार्ड से बंद कर दिया, वहाँ पर आपने बंद कर दिया, कुछ वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, जो मार्केट से चीज़ें हैं वो आसमान छू रही है, चीनी देख लो 46 रुपये किलो, मतलब ये कौन सा कुछ कौन से देश में आ गए, कौन से भारत में हो आप, कहाँ है डेमोक्रेसी? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहीं से आपको पता लगता है कि डेमोक्रेसी का हनन हो चुका है, अधिकार खत्म हो चुके हैं। तो हमने जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं भसोड़ी में सबसे बात की है, उनका एक ही जवाब होता है कि जो ब्लॉक दिवस है ये भाजपा का पूरा मंच बन चुका है, पूरा भाजपा ने इसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, आप जब भी देखेंगे वहाँ पर भाजपा के ही बंदे अलाउड होते हैं, भाजपा, और मुझे अफसोस है, एक दिली दुख भी है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप ये बताइए 2014 से पहले जब आप थे, आप ही वही एडमिनिस्ट्रेशन थे, आप ही वही अधिकारी थे, तब तो आप अपोजिशन को बड़ा बिल्कुल बुलाया जाता था, अपोजिशन की बात सुनी जाती थी, अपोजिशन के लीडरों को बिठाया जाता था, उनके विचार लिए जाते थे। जब से सेंटर में सरकार बदली अपोजिशन ख़त्म होती थी, 2019 में जब से हमारा ये स्टेट की बात करूं तो जब से 370 चली गई, तब तो आपने अपोजिशन ख़त्म ही कर दी, अपोजिशन को आपने जेलों में डाल दिया, अपोजिशन को आपने होम अरेस्ट कर दिया, अब जो बची कुची थोड़े बहुत जो हिम्मत करते हैं उनको आप उनकी आप सुनते ही, क्योंकि आप उनको बुलाना नहीं चाहते, आप बुलाते नहीं हैं, आप उनकी कुर्सी भी नहीं लगाते, आपने फ्रंट रो जो रखी होती है वो सारी की सारी भाजपा के लिए रखी होती है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है ना, वहाँ पर सिर्फ वाहवाही लूटनी और जिंदाबाद करने से थोड़ी काम चलेगा, बात वहाँ पे चलेगी जहाँ लोगों के अधिकारों की बात होगी, जहाँ लोगों की विचारों की बात होगी, जहाँ लोगों को हक मिलेगा, हकूक मिलेगा।
अगर मैं प्रतिनिधियों की बात करूं तो कल जो मंच था वहां पे डीडीसी चेयरमैन ने भी अपना संबोधन दिया, अन्य पंचायत प्रतिनिधि थे जिन्होंने 10-10 मिनट का संबोधन दिया, हालांकि डीडीसी साहब ने आधे घंटे का करीब संबोधन दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप लोग हमारी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं गिना रहे, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को गिना रहे हो। क्या देखिए, नहीं मैं उनकी मानसिकता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने, मैंने कहा ना, आपने कई प्रोटेस्ट उनके कवर भी कर लिए हैं, मेरे भी देखे हैं, वो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। और ये उनकी बात नहीं है, ये भाजपा के जितने भी इस टाइम जो पदों पे बैठे हैं वो सारे के सारे मानसिकता में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं। उनको यही नहीं समझ आ रहा कि हमें पोस्ट मिल गई क्योंकि वो थी नहीं, हिम्मत थी नहीं, घर पे बैठे परोसे खाना मिल गया और खाने को बर्बादी हो रही है। तो वही है ना कि अब इनको, पहले आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट को 16 प्रतिनिधियों को, जिला के पूरे 16 प्रतिनिधियों को आप उनके अध्यक्ष हैं, आप अपने ही टाउन में, अपने ही होम टाउन में अपने ही लड़कों को कह रहे हैं कि आप अलाउड नहीं है बोलने के लिए, क्या ये क्या मजाक चल रहा है? ये तो सिर्फ आई वॉश है। अंत में एक सजेशन आपसे चाहूँगा कि ब्लॉक दिवस में अगर लोगों की समस्याएं हल करनी है तो सबसे पहले किन किन चीज़ों पर काम करें? आशीष जी, मेरे सजेशन कहाँ कौन सुनेगा जी, आप बताइए। मैंने कहा जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं बुला रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बताइए, यहाँ पे इस टाइम सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस का मैं प्रतिनिधि, कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष, कांग्रेस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कांग्रेस से मैं बैठा हूँ, मुझे आज तक वो एक लेटर बता दें कोई भी, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आपके माध्यम से सभी सुनेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा, आप ऊपर से लेके आप डीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आप मुझे टाउन लेवल तक बात बता दीजिए, कब कोई ऐसा इन्विटेशन बता दीजिए कि आज तक यही नहीं पता है उनको कि भाई हमने अपोजिशन की राय लेनी है, अपोजिशन को बुलाना है, अपोजिशन से बात करनी है, कोई सुझाव लेने हैं, किसने बुलाया आज तक? कोई अपोजिशन का जब कोई रोल ही नहीं रहा हुआ है, सिर्फ रोल है भाजपा का, भाजपा के चार आदमी आ जाते हैं वहीं ताड़ी पे जाते हैं, वहीं पे सारा हो जाता है, और वही भी कहते ना वो एक डोगरी में कहावत है, मैं थोड़ा एक कहावत भी सुनाता जाना, जंदे जंदे गांधे अन्नी बंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नू दे, ये वो हिसाब है। इसको हिंदी में बता दूंगा कि आपके हिंदी वाले होंगे कि अंधा रेवड़ियाँ बांट रहा है और मुड़ मुड़ के ये जो है रेवड़ियाँ अपने आप को ही खिलाए जा रहे हैं और ये खुद ही स्वाद लिए जा रहे हैं, इसमें क्या बताऊंगा सर जी। हमने ये भी देखा है कि जब कोई आम आदमी अगर मंच तक पहुंच भी जाता है और अपनी आवाज़ उठाता है तो जो अधिकारी होते हैं वो उसे रोक देते हैं। मैं वही कहा ना, क्योंकि अधिकारी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं जी। अधिकारियों को आज अधिकारी इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आज भाजपा वाले खुद रो रहे हैं उनकी अधिकारी का। अब परसों देखा आपने, परसों एक रिजाइन हो गया, भाजपा का एक दिग्गज नींव, दिग्गज कड़ी जो है उनकी टूट गई। क्यों टूटी? क्योंकि उनकी अपनी नहीं चल रही। तो अधिकारियों का क्या, अधिकारी हैं इस टाइम मौज मार रहे हैं, अधिकारियों को इस पर पता है कि पूछने वाला कोई नहीं है। अधिकारी को आज मैं कहता हूँ, मैं कल आपको बंद का आह्वान देता हूँ, देखिए कैसे अधिकारी जो है वो हाहाकार मच जाएगा कि इस बंद को रोकना है, इसको प्रोटेस्ट को रोकना है। क्यों? क्योंकि हमारी पिक्चर, बड़ी ग्लॉसी पिक्चर जो है वो जानी चाहिए, मीडिया में सिर्फ ये छपना चाहिए अधिकारी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है वो घर घर जाके बताई जा रही है, इन कामों में टाइम बर्बाद किया जा रहा है। आप बताएं कि घर घर जाके आपके, अभी एक प्रचार मैंने कहा ना 9 साल बेमिसाल, और घर घर जाके प्रचार करना है, यार आपने बहुत अच्छा काम किया, आप पत्रकार हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप पूरी वसूली में जाते हैं, आप कितने घरों में गए कि बताने के लिए मैं आशीष कपूर, मैं फलाने मीडिया से आया हूँ और मुझे खबर दीजिए? बताइए, मेरा सवाल आज आपसे है। बिल्कुल, आप जाते हैं अपनी कोई खूबी बताने? अपनी खूबी बताने घर घर वही जाता है जिसको पता हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने अपनी घर पे घर जाके अपनी तारीफ लूटनी है और लोगों को ये कन्विंस करना कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास पूरा समय है, आप बताइए, आप करिए कभी भी फ़ोन, देखिए आपको संजय राजदान का खून का कतरा वहाँ पे मिलेगा जहाँ लोगों का पसीना गिरेगा। हम पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं, ना कि अपनी तारीफें लूटने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं, आप सच में कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं उन लड़कों को दाद दे रहा हूँ, और मैं अगला, अगर उन्हें ये जो उन्होंने डिमांडें रखी हैं, ये भी मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर ये डिमांडे एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी सी भी चूक की, इन डिमांडों को ना पूरा किया, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है, ये किसी की पर्सनल डिमांड नहीं है, तो फिर आप नज़ारा फिर क्या देखना होगा? कवरेज उस दिन आपको दिलाऊंगा, ये आज मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन वादा कर रहा हूँ, कवरेज क्या होगी उस दिन आपको दिखेगा, अगर ये वाकई ही ये चीज़ें ना हुई तो। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रधान संजय राजदान जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो ब्लॉक दिवस है वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मंच बन चुका है भाजपा के, यहाँ भाजपा के लोगों का कब्जा होता है और वही बोलते हैं और उन्हीं की मौजूदगी में सारा ये कार्यक्रम होता है, आम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, अगर बोलते भी हैं तो उनसे माइक छीनने का जो पूरा पूरा प्रयास किया जाता है।